महंगाई हर द्वार पर चला रही तलवार, महंगाई हर द्वार पर चला रही तलवार, हर व्यक्ति घायल हुआ खाकर इसकी मार। आज़ादी के बाद देश की बदल गई तस्वीर, आज़ादी के बाद देश की बदल गई तस्वीर, एक बोरी थी चावल जितने की मिले ना अब खीर, एक बोरी थी चावल जितने की मिले ना अब खीर। महंगाई के इस दौर में करना पड़ता है अपने खर्चों पे काबू, महंगाई के इस दौर में करना पड़ता है अपने खर्चों पे काबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाय, मैं हूँ मनीष चंदवानी, आप सबका स्वागत है आनंद ट्रेडिंग पाठशाला में। हमारा पिछले वीडियो का टॉपिक था सेविंग, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वैसे सेविंग हम इंसानों में ही नहीं, चींटियों में भी पाई गई है। चींटियाँ सारा समय भोजन के बारे में, जाड़े में भोजन के बारे में सोचती रहती हैं और उसे कैसे हासिल करना है उसके बंदोबस्त में लगी रहती हैं। आप उन्हें रोक नहीं सकते, आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आपके आसपास आजू बाजू कहीं से भी जहाँ रास्ता मिलेगा वो निकल जाएंगी, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, उन्हें एक ही तरीके से रोका जा सकता है, वो है उन्हें मार कर रोका जा सकता है। जब चींटियाँ अपने सेविंग के लक्ष्य में इतने दृढ़ता से काम में लगी रहती हैं तो क्या हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमें इन्फ्लेशन समझना है तो हमें हमारे दैनिक एग्जाम्पल ही लेने होंगे। हमारे दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में जो भी एग्जाम्पल होंगे हम उसे लेते हैं। मैं लगभग 14-15 वर्ष का होगा, मुझे आज भी उस समय की स्मृतियाँ याद है। पेट्रोल उस समय 16-17 रुपये प्रति लीटर हुआ करता था, आज 80-82-83 रुपये लीटर हो गया है। उस समय चावल 5-6 रुपये किलो हुआ करता था, आज 40-45 रुपये किलो चावल हो गया है। उस समय खाने का तेल लगभग 20 रुपये लीटर हुआ करता था, आज वही 100-110 रुपये लीटर हो गया है। उस समय डॉलर की कीमत 32 रुपये हुआ करती थी, आज 75 रुपये हो पड़ी है। ऐसा क्यों हुआ है? इन्फ्लेशन जो है, महंगाई हमारे देश में क्यों बढ़ी रही है? हमारे देश में ही महंगाई क्यों सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है? इसका कारण है, इसका कारण यह है, हमारा देश जो है विकासशील देश है और जो भी देश विकासशील होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो भी होती हैं, वहाँ पे महंगाई ज़्यादा पाई जाती है। हमारा देश जितना विदेशों से आयात करता है उसके मुकाबले कम ही वस्तुएं निर्यात करता है। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। कुछ चीज़ें हमें विदेश से ही प्राप्त होती है, जैसे कच्चा तेल, सोना, इन दोनों की इतनी वैल्यू में हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है कि हमें उस वजह से हमारा डॉलर अकाउंट या हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट में चला जाता है, जिस वजह से हमें विदेशी बाज़ारों से ज़्यादा डॉलर खरीदने पड़ते हैं इन वस्तुओं की कीमत अदा करने के लिए। कच्चा तेल और सोने का इम्पोर्ट तो हम रोक नहीं सकते और इसके वजह से महंगाई पे जो असर पड़ रहा है उसे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करते हैं, इसे बैलेंस करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्फ्लेशन तो हम रोक नहीं सकते। हमारा अगले वीडियो का टॉपिक होगा इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ये सब चीज़ें हमारा उत्साह बनाए।